much fun in ages. What did you say your name was? तो भाई यार, तुम लोग का स्वागत है यार एक नए GBA रोम हैक में, जिसका नेम तुम लोग देख ही सकते हो भाई, कितना बवाल नेम है, पोकेमॉन मेमोरीज GBA। भाई ये वाला गेम ना पोर्तुगीज गेम है, पहले ही बता दे रहे तुम लोग को। और पोर्तुगीज गेम होने के बावजूद ये फायर रेड जैसा गेम है भाई, इतना बवाल बवाल चीज़ है इस गेम में, तुम लोग को हम बता नहीं सकते। पहला चीज़, इसमें जेन 9 तक के पोकेमॉन हैं, ठीक है। और यहाँ अपना प्रोफेसर ओक, जो कि अपना हम लोग का वही सेम प्रवचन, ये पोकेमॉन की दुनिया फैलाना है ना, ये सब चीज़ पे भी नहीं बताते तुम लोग को, भी हम गेम के बारे में बताते। और इसमें पता है तुमको हर एक जनरेशन के ट्रेनर है, ठीक है, जेन 9 तक के जनरेशन के इसमें ट्रेनर है, जिससे कि तुमको बैटल करने को मिलेगा। और यहाँ पे भाई लड़का लड़की पूछा तो यार अपना हम लड़का ही लेंगे, और नेम अपना जैसा देख ही सकते हो, जानते ही हो भाई अपना नेम सही है एकदम, एक नंबर WC Star। चलो यार, अरे यार टी डबल नहीं था, AR और के। हाँ एक चीज़ और, गेम भाई हम थोड़ा सा ना फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ कर देते हैं, ठीक ना, कि भाई गेम ये वाला सब ना, जो ये वाला गेम है भाई काफ़ी लंबा लंबा आने वाला, पहले ही बता दे रहे। और इतना मस्त गेम है यार, तुम लोग डाउनलोड करके भी खेलोगे ना भाई, तुम लोग को बहुत बवाल गेम लगेगा। और इसमें लड़की का नाम हम बेला रख देते हैं, बेला हमको दिख रहा है अच्छा नेम। तो ऐसे भी राइवल इसका क्या नेम रखते हैं, अपलू पपलू टपलू कुछ भी रखते तो अच्छा थोड़ी लगता है, इसलिए बेला अच्छा नेम है, सही रहेगा। और देखो हम इस गेम को ना थोड़ा ट्राई किए थे, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ PC तो देख ही सकते हो नहीं है, ठीक है। और यहाँ अपना पार्सल में भी अपना है, लेकिन खोल नहीं सकते उसको। और यहाँ पता नहीं क्या लिख रहा है, पोर्तुगीज लैंग्वेज, इसलिए पढ़ना तो दिक्कत है। और लेकिन एक चीज़ और इसमें पता है दिक्कत क्या है, जो पोकेमॉन्स का नेम है तो वो तो इंग्लिश में है, लेकिन इसका अटैकिंग मूव सेट है ना वो भी पोर्तुगीज लैंग्वेज, इसलिए ना हमको एक्सेप्ट करके काम करेंगे। और वहाँ तुम लोग नीचे में शायद देखे होगे उस टाइम एक अल्ट्रा बॉल हमको दिख रहा था। और यहाँ प्रोफेसर ओक, एक यहाँ प्रोफेसर ओक क्या कर रहे हैं, देखो हम खेले हुए हैं ये गेम, ठीक ना, अभी हम खेले थे 2-3 दिन पहले, लेकिन हमको याद नहीं, हम रिकॉर्डिंग अभी कर रहे हैं इस गेम का। 2 जिम तक हम इसको कम्प्लीट किए थे, काफ़ी अच्छा लगा हमको। और यहाँ हमको मैप मिला, चलो मैप देखते हैं। यहाँ का पता है पोर्तुगीज रोम का मैप सब होता है ना काफ़ी बवाल बवाल चीज़ होता है, स्टोरी टेलिंग एकदम से एक नंबर होता है इसमें, पता है इसमें, लेकिन पजल जैसा उतना हार्ड नहीं है जैसे पोकेमॉन वर्कशिप वाला जो है, उसका पजल भाई गंदा वाला हार्ड है, लेकिन इसका पजल हार्ड नहीं है, तुम लोग इजीली कंप्लीट करते चल सकते हो इस गेम को। तो इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और सोर्स का भी लिंक हम दे देंगे कहाँ से हमको मिला है। और यहाँ अपनी भाई राइवल बातचीत करते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, हमको इससे बात करना है। ओ सेम डायलॉग, टेक्नोलॉजी इज इनक्रेडिबल, क्योंकि भाई ये चीज़ पढ़ सकता है आदमी, इजीली चीज़ है। और यहाँ पे साइडक्स, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, चल छोड़, रास्ता ऐसे रोके हुए वो अभी के लिए। और मेरी राइवल यहाँ नहीं है, चल कोई ना, नहीं है तो नहीं है, हम लोग अपना पहला पोकेमॉन चूज कर सकते हैं। एक मिनट, अरे जा यार, हमको बात करने लगे प्रोफेसर से, चल कोई ना। यहाँ पे रॉलेट भाई, ठीक है, सिंडाक्विल और ओशोवा। ए भाई ये तो हिशुअन वाला है भाई, जिस तरीके का टाइपिंग वाला पोकेमॉन से ना सब, ये हिशुअन वाला है, तो हम भाई रॉलेट को ही चूज़ करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि रॉलेट भाई काफ़ी बवाल चीज़ लगेगा यार, इसमें फाइटिंग फाइटिंग टाइप भी बन जाएगा वो इवॉल्व करके फाइनल वाला, उसका डेसीडुआई। चलो अब यहाँ पे हम एक बार अपना राइवल का ही मेरा घर होना चाहिए, शायद हम कुछ कर नहीं सकते, पोर्तुगीज लैंग्वेज पढ़ नहीं ना पाएंगे, लेकिन स्टोरी टेलिंग इसका मस्त है। और हाँ यहाँ पे पोता है, पोकेमॉन सब भी काफ़ी बवाल बवाल पोकेमॉन आते हैं, अभी तो एक केंस आ रहा है, लेकिन हम पहले बता देते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेनिंग करेंगे, तो इसको फेंट करते हैं हम लोग। तो रेजर लीफ, ओ डैमेज उतना नहीं पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी ये पॉइजन टाइप ना, मेरा ग्रास टाइप अटैक है तो इसके ऊपर उतना डैमेज नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं, 7 लेवल के हो जाएंगे ना तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक ना, थोड़ा देर बाद हम लोग मिलेंगे, इसको फेंट करके तब हम लोग देखते क्या करते हैं। चलो और देखो हम 7 लेवल के हो गए, तुम लोग को दिखा भी देते हैं 7 लेवल पोकेमॉन का। यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा बजाए बज गया, पिटाई पट पिटाई, फिर से एकेंस, हम ऐसे 2-3 बार तो एकेंस से ही बैटल किए हैं, चल कोई ना अभी नहीं करेंगे बैटल। और यहाँ पे नर्स जॉय, चलो सही है, अलोला, क्योंकि भाई देखो नर्स जॉय दिखी, अलोलन पोकेमॉन हम लिए तो इसलिए अलोला बनता है भाई, रॉलेट अलोला का है।
इसलिए अलोला बनता है बोलना। और यहाँ पे तो कट टीएम मिलेगा तब ना, सॉरी कट एचएम, कट टीएम बोल रहे, कट एचएम। और क्लिफेरी, क्लिफेरी यूनाइट में काफ़ी सही है पोकेमॉन, हम पोकेमॉन गेम में तो क्लिफेरी यूज़ नहीं किए है। यहाँ पे पता है एक और चीज़ क्या है बवाल, कि यहाँ पे तुम अपने जो केंटो रीजन के पोकेमॉन से, केंटो रीजन के राइवल्स है, उन सबसे तुम लोग यहाँ पे इस गेम में बैटल करो, इसलिए डाउनलोड करके खेलने का होगा तो भाई खेल सकते हो। अपनी राइवल आ गई, क्योंकि भाई हम देखो हम फ्राइडे के दिन ये गेम खेले थे और हमको इसलिए स्टोरी अच्छा से याद नहीं, इसलिए जो होएगा ना मेरे लिए भी अभी थोड़ा नया ही जैसा रहेगा। दो जिम हम कंप्लीट किए थे, हम पहले ही बता रहे थे सच बात, लेकिन फ्राइडे के दिन किए थे। वूलू है इसके पास, चलो इसका वूलू को डिफीट करते हम लोग। रेजर लीफ, वूलू ऐसे नॉर्मल टाइप होता है और कम ऑन यार, टैकल से भी उतना नहीं हो रहा है। अरे भाई हो जा यार रेजर लीफ, चल कम से कम फेंट तो हुआ भाई, सही है। अब देखो ये हम लोग को कुछ देगी क्या, मे बी, क्योंकि राइवल हमेशा कुछ देती है, कोई बात नहीं कुछ नहीं दी लगता है हमको। यहाँ से निकलते हैं भाई, पिकाचू, पिकाचू भाई हम कैच नहीं करेंगे, मेरे पास और भी अच्छे अच्छे पोकेमॉन्स हैं यहाँ पे जो हमको मिलेंगे, हम उनको कैच करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। यहाँ पे पत्थर उत्थर और पोकेमॉन एक बार हील्ड करवा लेते और यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं, पहला सही रहेगा मेरे लिए तो। चलो ये वाला तो सही हो गया, रजिस्टर भी हो गया हम लोग का, और यहाँ पत्थर सारा चेक कर ले रहे। अभी मेरे पास ये नहीं ना आइटम फाइंडर, इसलिए हम अभी सारा पत्थर उत्थर चेक करते हुए चलेंगे। इस साइड भाई नीचे, नीचे ये घर है और यहाँ एक ये रहा, ये क्या इसको कहा जाता है, टीएम भाई, टीएम वन दिया था, मे बी टीएम वन तो फोकस, फोकस ब्लास्ट या फोकस पंच जैसा कुछ अटैक रहता है, ये कोई अटैक हम लोग को सिखा रहे लगता है। एक मिनट हमको पता नहीं सही से, इसलिए मे बी शायद कुछ अटैक ही सिखा रहे हो, देखते क्या है। ओ भाई ये तो नेम रिलेटर है बैक, हमको लगा कि अटैक सिखा रहे यार, हम कोई अभी नेम अपना रॉलेट का चेंज नहीं करना चाहते, मेरे दिमाग में कोई नेम नहीं है वैसा, ये तो हम पक्का चेंज करते हैं। और यहाँ नीचे यहीं पे तुम लोग को बैटल होगा, पता है यहाँ पे जो है ना इस बंदे से जो बैटल हो रहा है ये राइवल अपना है, देखो भाई साहब राइवल गैरी ओ का पोता। चल भाई इसके पास पीजी है तो टैकल, ओ ये भी टैकल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरा भी टैकल सही है। चलो इसका सेकंड बल्बसॉर, तो हम पैक अटैक करेंगे, हमको पैक अटैक मिला, हम जब उससे लड़े थे ना अपने राइवल से बेला से तब हम सीखे थे। चल भाई यहाँ पे इसको हराए, अब यहाँ पे पता है यहाँ पे अपना ये सब चेक करो, यहाँ पे तुमको केंटो के स्टार्टर पोकेमॉन मिलेंगे जो कि भाई हम कैच करने वाले अभी, लेकिन हम पहले सारा ये सब, अरे यार फिर से आ गया, चल कोई नहीं हम पहले इसको यहाँ से रन करते हैं। देखिए तो बल्बस और दिखा, स्क्वाटल दिखा, फिर चारमैंडर, ये सब यहाँ पे केंटो के स्टार्टर पोकेमॉन मिलते हैं, तो इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सारा कैच करेंगे अभी, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। चल भाई स्क्वाटल आया, चलो अब इसको कैच किया जाए, हम पहला मूव तो टैकल ही करेंगे, मे बी टैकल से कैच होना चाहिए, एक बार और करते हैं क्योंकि थोड़ा सा एच पी रेड इसका कर देंगे ना सही रहेगा। पहले तो यार क्विक सेव हम कर लिए है क्योंकि हम उतना दिखा नहीं रहे, हम सारा चीज़ हम क्विक सेव ये सब करके ही बैटल करते हैं, तुम लोग को बस दिखाते पोकेमॉन से पोकेबॉल फेंके कैच हुआ ये सब। और देखते बल्बस और फिर से स्क्वाटल, नहीं यार स्क्वाटल हमको मिल गया है, वो भी मेल वाला स्क्वाटल मिला है। चारमैंडर भाई दो लेवल का है, कोई ना कैच करेंगे हम तभी भी, हम लोग इसको ट्रेन करने वाले क्योंकि हम चारमैंडर को अपना टीम में रखेंगे, क्योंकि चारमैंडर को मेगा एवोल्व भी, इस गेम में पता है इस गेम में मेगा एवोल्यूशन है और जैगेंटा मैक्स है, मे बी शायद जी मूव वाला भी है, क्योंकि हमको जहाँ तक हमको दो चीज़ पता है इसमें कि जी मूव है और मेगा एवोल्यूशन है, सॉरी जैगेंटा मैक्स है और मेगा एवोल्यूशन है, जी मूव का हम सही से नहीं बता सकते लेकिन होगा इसमें, देख लेना तुम लोग इसका जाके समरी चेक कर सकते हो। चलो चारमैंडर भी मिला और भाई अच्छा खासा है, दो लेवल का और चार लेवल का पोकेमॉन मिला। बल्बस और भी आ गया अपना बल्बू भाई शाहब, इसको भी कैच करते हैं टैकल, मेरा अटैक ये गिरा रहा है, कोई बात नहीं फिर से टैकल। अरे भाई एक बार हम सोच रहे और टैकल करते हैं, चल भाई बज गया यार, मेरा दिल अभी धक धक करने लग गया था यार, पेंट हो जाता तो यार
चलो देखो क्विक सेव किए तुम लोग, क्या के सामने ही किए क्विक सेव अभी, और पोकेबॉल फेंके, कमान 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 आ गया। देखे भाई साहब कितना पापड़ बेलना पड़ता है एक वीडियो बनाने में, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है यार एक वीडियो में। चलो यार देख सकते हो तीनों केंटो स्टार्टर पोकेमॉन हमको कैच मिल गया पहला ही एपिसोड में, और काफ़ी बवाल चीज़ है भाई ये। चलो यहाँ पे तो सही जा रहा है अपना, अब भाई हमको बाहर निकलना था। ये पोकेमॉन यहाँ पे कितना ज़्यादा अपीयर हो रहा है हमको तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे हाँ एक चीज़ और हम तुम लोग को बताना भूल गए, एक मिनट हमको पहले तुम लोग को दिखाना है वो चीज़, हम भूल गया था अभी, हमको अचानक से ये पोकेमॉन जो आए ना उसके बाद हमको याद आया। देखो सबसे पहला चीज़ ना, एक मिनट यहाँ पहले हम घुमा देते हैं एक बार, देख लेते जगह, ये बंदी पता नहीं कुछ देती है कि नहीं, बात कर लेते फिर तुम लोग को मार्ट में लेके चलते। मार्ट यहाँ का जो देखोगे ना भाई फ़ैन हो जाओगे ये वाला मार्ट का, मन इस गेम का मार्ट का कोई भी बंदा फ़ैन हो जाएगा भाई साहब। यहाँ पे इतना सस्ता सस्ता आइटम मिलता है ना, देख के तुम लोग बोलोगे भाई काहे नहीं ये ओरिजिनल गेम में मिलता है इतना सस्ता। देखो भाई $40 या 40 पोके यान में पोकी बॉल्स भाई साहब, ये देख लो 100-100 का ये सब। लेकिन पता है यहाँ पे एक गलत चीज़ क्या है, रिपेल देखो रिपेल 350 का ही है, ये सबसे हमको गलत चीज़ लगा। इसको भाई 250-200 रुपया तक का कर देता ना हमको काफ़ी सही लगता। हम देखो हम 400 रुपया का पोकी बॉल खरीदेंगे यानी कि 10 पोकी बॉल हम खरीद लेंगे भाई, जब इतना सस्ता मिला तो भाई कोई भी लुफ्ट उठाएगा। और हम पोशन भी खरीदेंगे 60 पीस हम पोशन खरीद लेंगे क्योंकि भाई 100 रुपया का पोशन दे रहा है। ऐसे पोशन का पोकेमॉन मेला में दाम शायद 300 होता है ओरिजिनल गेम में, कोई ना। और ये बंदा एक मिनट उससे बात करेंगे, ये रूट 2 में जा रहा है रास्ता, अभी हमको रूट 2 में नहीं जाना है, इसके ऊपर वाला में भी जगह है जो कि हम तुम लोग को भी दिखाना चाहेंगे, वो वाला भी जगह काफ़ी गजब का है। चलो यहाँ से तो उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमको, हम लोग चल रहे अभी तुम लोग को यहाँ का फॉरेस्ट वाला जो नहीं रहता है रास्ता वहाँ तुम लोग को ट्रैवल करवाते हैं। ये तो अपना शायद कोई रास्ता है, मेरे पास जब सर्फ आ जाएगा ना तब यहाँ चलेंगे देखने के लिए। और ये आ गया भाई अपना फॉरेस्ट, वेरिडियन फॉरेस्ट जैसा ही ये है। चलो यहाँ पे भाई यहाँ पे पोकेमॉन देखते हैं, वेनेनॉट भाई अच्छा पोकेमॉन है, फिर वेनेमॉट में इवॉल्व करता है बाद में देखेंगे। ये आंटी जी से बात की लेकिन ये हमको शायद कुछ दी नहीं, कोई बात नहीं हम लोग बाद में देखते हैं इसका क्या करना है। यहाँ हमको पता है हमको राइवल ट्रेनर सब यहाँ पे बैटल बहुत ज़्यादा होएगा, और ये एकदम भूल भुलैया जैसा ये है जगह, इसलिए थोड़ा सा देख के हमको करना पड़ेगा ये जगह। और यहाँ पे अपना पहला बैटल, और हाँ ये पहला चीज़ कि भाई एक एक का बैटल दिखाएंगे, ये लोग के पास क्या नहीं 3 या 2 पोकेमॉन हो लेकिन बैटल सिर्फ एक एक का दिखाएंगे। कम ऑन यार, चलो इसका पीजी को तो हरा दिए, अब नीचे ही चलना चाहिए। इस भूल भुलैया का मे बी यार इससे बैटल होएगा ही, बंदा से बंदा कह लो या बच्चा कह लो, एक चीज़ हमको पता है इसमें समझ नहीं आता भाई, ये देख लो इतना छोटा बच्चा को पोकी बॉल मिल गया, पोकेमॉन मिल गया, और हम लोग जो इसमें मेन कैरेक्टर होता है उसको 10 साल का होना है, 10 साल का हो गया तब पोकेमॉन देंगे, तो ये सब कहे नहीं बोल रहा है यार। यहाँ पे बड़ा बड़ा ट्रेनर रखना चाहिए ना, बच्चा लोग को रैटाटा दे दिया है, स्पीजी दे दिया है, स्पैरो दे दिया है, हम लोग को 10 लेवल का होना है माने 10 साल का, 10 साल के बाद तुम पोकेमॉन यूज़ कर सकते हो अपना गेम में, बताओ। अब देखो चार्मेंडर को आगे कर लेते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे बग पोकेमॉन्स मिलेंगे ना, काफ़ी अच्छा से चार्मेंडर भी अपना इवॉल्व कर जाएगा। और ये बंदी भाई बच्ची पोनीटा बताओ ये कितना ज़्यादा हमको HP दे सकता है तुम लोग को भी पता है, पोकेमॉन ये बहुत अच्छा है पोनीटा। चलो यार इसको हरा के टैकल, हमें भी हमको एक चीज़ का डर है क्योंकि इसके पास ब्लेज एबिलिटी भी होता है, कहीं हमको बर्न ना कर दे बस, क्योंकि हम बर्न हील ये सब तो खरीदे ही नहीं। यहाँ से हमको जाना शायद नीचे के साइड है, ये बंदा शायद बैटल कर सकता है, ओ देखा लेकिन बैटल नहीं किया, तो छोड़ो यहाँ क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं, रास्ता ख़त्म है। तो एक मिनट हमको, चल छोड़ कोई ना बाद में देखते हैं। और कैटरपी तो नहीं, और यहाँ पे
फिर से एक बच्चा, चलो देखते हैं यहाँ क्या है। इसके पास भाई कौन सा पोकेमोन है? ये भी एकदम छोटा बच्चा, सेम पिछले बार जैसा। स्पियरो है इसके पास। चल कोई ना, हम एम्बर करके देखते हैं। ओ बन हो गया, चल सही है यार, सही है। हाँ एक और बार, एक और बार, कम ऑन चार्मेंडर ब्रो, चार्मेंडर। चल भाई, ओ हो, हम क्या टैकल किए थे? नहीं यार, हमको स्क्रैच किए थे हम अटैक, सॉरी, हमको एम्बर ही करना चाहिए था उस टाइम भी। चलो यहाँ से तो ठीक है, और हम, पता है हम नीचे गिरे हैं, माने कि मेरा ऊपर नीचे करना बकवास हो गया। बताओ ये रास्ता भूल भूलैया यार पूरा पाक यार। देखो एक मिनट, यहाँ पोकी बॉल हमको दिख रहा है, पोशन मिला, चलो सही है, भरपाई हो गया। हम दो पोशन यूज़ किए थे अपने पोकेमोन को हील्ड करने के लिए। और यहाँ भाई पता है पूरा रास्ता गोल घुमाओ, भूल भूलैया। यहाँ भी एक बच्चा यार, चलो इससे बैटल कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ कैटरपी आया, नहीं यार कैटरपी तो चाहिए नहीं हमको, चल जल जा कैटरपी, बाय बाय। चलो यार इससे देखते हैं, बच्चे के पास तीन पोकेमोन, बताओ हम एम्बर इसके ऊपर करेंगे, वीडल के ऊपर। चलो भाई पता है ऐसे देखा जाए ना, यहाँ पे जितना ट्रेनर है ना उस हिसाब से देखा जाए, हम किसी सिंगल पोकेमोन को यूज़ करेंगे ना तो मेरा सेकंड इवॉल्व भी हो जाएगा आज। लेकिन हमको अपने पोकेमोन को थोड़ा बहुत ट्रेन भी करना है, चार्मेंडर और रॉलेट को, इसलिए मे भी शायद नहीं कर पाई इवॉल्व। और ये रॉकेट गैंग का बंदा था, इसको मे भी लगता है मेरा चार्मेंडर नहीं हरा पाएगा, इसलिए हम रॉलेट को ही ले आते हैं, क्योंकि रॉलेट इसको ईजिली ना हरा सकता है। तुम क्या करे, क्या नाम था स्मोक का, मे बी लेजर लीफ। हाँ मेन बात, हमको अपना ओरिजिनल नेम मूव से पता है, और इसमें पोर्टुगल लैंग्वेज वाला है इसलिए हमको देख के करना पड़ता है ना। चल कोई ना, रैपिड स्पिन या पता नहीं क्विक अटैक जैसा मूव कर रहा था। चलो ये टीम रॉकेट का बंदा को तो अभी हम लोग फेंट कर दिए, और मे बी यहाँ क्या है, ओ एक एच एम और सॉरी टी एम सॉरी। अरे भाई कैटरपी चल जाए यार, हमको पता है हमको रिपेल खरीद लेना चाहिए था दो तीन गो कम से कम इस जगह पे आने से पहले, काफ़ी सही रहता। यहाँ क्या है, एक पोकी बॉल एंटीडोट मिला, चलो ठीक है। और यहाँ तो रास्ता नहीं है, हमको नीचे साइड सब जाना पड़ेगा। और चलो एक मिनट, अब अरे यार फोन है वल्पिक्स इस गेम में भी, सही है, ऐसे भी बताए थे तुम लोग को कि हम यहाँ जेन 9 तक के पोकेमोन हैं, तो वल्पिक्स मिलना तो आम बात ही है। यहाँ भी रास्ता बंद है, ठीक है। क्या ये वाला रास्ता खुला हुआ होगा, छोड़ो यार यहाँ। अरे यार ऑडिश हम नहीं कैच करें, मेरे पास बल्बस और है, लेकिन हमको और कोई दूसरा रीजन का पोकेमोन देखना है, ग्रास में या कोई और पोकेमोन। कोई बात नहीं, वेन ए नॉट नहीं चाहिए भाई। यहाँ क्या है, एक पोकी बॉल, पोकी बॉल में भी पोकी बॉल मिला, चलो सही है भाई। देखो हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं अब। चलो भाई पता है बहुत ज़्यादा भूल भूलैया वाला रास्ता यार, हमको पता कंफ्यूज कर दिया था एकदम से। अभी चल रहे यार हम लोग हील्ड करवा लेते हैं, हील्ड करवाने के बाद हम लोग चलेंगे अपना। हील्ड करवाने के बाद मे भी शायद हम गेम को सेव ही कर सकते, क्योंकि जिस तरीक़ा से हम खेल रहे ना उस तरीक़ा से यार गेम काफ़ी ज़्यादा हमको लग रहा है लंबा कर दिया हम। चल कोई ना, हम अभी पहले वहाँ रूट 2 के पास चलते, उसके बाद हम गेम को सेव करेंगे। यहीं से निकलना है मे बी। अरे यार हम तो यहाँ आ गए बक। चल कोई ना, ऊपर से एक फ्लोर ऊपर से जाना हम लोग को। चलो भाई यहाँ से हट जाए यार, जान दे। रूट 2 मे बी यहीं गेम। अरे यहाँ तो एक पोकी बॉल है, एंटीडोट एंटी पैरालाइज्ड कुछ लिखा हुआ था। अरे यार हमको गेम सेव करना था, ये बैटल कहाँ से आ गया यार। चल कोई ना, इसको देखते हैं इसके पास कौन सा पोकेमोन है। ओ भाई ये तो वो वाला यार, स्कारलेट वॉलेट का बंदा है, और इसके पास स्कारलेट एंड वॉलेट वाला पोकेमोन भी है, स्कोविट। चल इसको हरा देंगे इजीली, हम हरा देंगे, इसका 5 लेवल का है, मेरा 9 लेवल का पोकेमोन है, इजीली इसको हरा सकते हम भाई साहब। चलो ये हार गए। अरे भाई एक्सपीरियंस शेयर दे दिया हमको भाई, एकदम सही चीज़ दिया यार, बवाल चीज़। एक्सपीरियंस शेयर हम किसी को दे देते, अभी के लिए हम चार मैंडर को ही दे देंगे, और फिर रॉलेट को आगे कर लेंगे।
और हाँ, बाकी बल्बसॉर और वो जो है ना स्क्वार्टल, वो सब को तुम पीसी में रखेंगे। हम देखेंगे और कोई अच्छा पोकेमोन को मिलेगा तो। ये कौन सा जगह है? रूट टू। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो गेम हम यहीं पे सेव कर रहे हो। तुम लोग बताना गेम ये सही लगा तो तुम लोग भी डाउनलोड करके खेल सकते हो। तो मिलते हैं सीधा एक और बवाल वीडियो।